Hey Arsians, this is Ranchi Rider. तो यार अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:15 बज रहे हैं यानी 3:45 एंड अभी निकले हैं घर से तो अभी ऑफिस से आए थे थोड़ी देर पहले एंड अभी जा रहे हैं वापस कॉलेज. तो कॉलेज एक्चुअली अभी छुट्टी चल रहा है बट आज है इलेक्शन तो एक जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह हम भी जा रहे हैं वोट देने के लिए. एंड पीछे मेरे साथ मेरा फ्रेंड है रोशन जो कि मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता है तो वो भी जा रहा है मेरे साथ. तो सुबह से हम काफ़ी बिजी थे ऑफिस से एंड मेरा फ्रेंड हमको कॉल किया कि भाई तू वोट देने नहीं गया. तो मैं बोला कि यार नहीं जाऊंगा थक गया हूँ बहुत ज़्यादा क्या करूँगा वोट देके. बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार जाना चाहिए बिकॉज वोट देना चाहिए. तो आई नो कि अभी आप सभी कॉलेज में जहाँ तक मुझे पता भी आप सभी के कॉलेज में चल रहा होगा इलेक्शन. तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लोग किसको वोट दिए हैं. तो हम नहीं बताने वाले कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं बट जिसको हम सोच लिए कि इसको वोट देना है हमको तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किसको वोट देना है बिकॉज आपका कमेंट से कोई आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि हाँ ये वही है. बट मेरी वीडियोस देख के ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकता है मेरे को कि हाँ इसने इसको वोट दिया है. सो थोड़ी सी हो जाती है क्लास में ही. तो फिलहाल है रातू रोड में एंड जाना है डोरंडा. तो मेरा ऑडोमीटर अभी तक ख़राब है वो इसलिए क्योंकि आज हम शोरूम गए थे बट जो बंदा मेरा बाइक का काम करता है वो आज था नहीं. तो वो बोला कि कल आओ आराम से तुम्हारा मीटर बन जाएगा. तो उसने कहा कि शायद एक दो तार छूट गए हैं तो इसीलिए ऐसा हो रहा है. तो हम बोले ठीक है कल कर देना. तो फिलहाल जाना है कॉलेज जाके वोट देना है. तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग किसको वोट दिए. तो चलिए फिलहाल कॉलेज चलते हैं. सो यार अभी कॉलेज पहुंचने वाले हैं बट अभी गड़बड़ एक ये हो गई है कि वोट देने जाने के लिए हमें चालान लाना था अपने कॉलेज का एडमिशन चालान या कोई भी एक चालान बट हम दोनों चालान लाना भूल गए. अभी जैसे ही ब्रिज पे आया एंड मेरे को एक फ़ोटो याद आया उसमें याद आया कि मेरे को सड़क चलान लेके आया तो मेरे को याद आया कि अरे चलान लेके आना था बट वो चलान लाना भूल गए. तो अभी वहाँ पे जो है जो कैंडिडेट खड़ा है हमारे क्लास से उसको फ़ोन किया हमने तो उसने बोला कि आओ फिर बात करते हैं. तो देखिए फ़िलहाल तो जा रहे हैं कॉलेज आई होप कि हो जाए मेरे को इतना दूर आके वापस जाना. हम जल्दी जल्दी निकल गए मेरे को याद ही नहीं रहा आधार कार्ड ले आए बट वो चलान लेके नहीं आए हम. तो लेट्स सी कि क्या होता है. आई होप कि वोट देने मिल जाए कुछ जुगाड़ हो जाए बिकॉज इतना दूर कॉलेज पहुंच जाने के बाद फिर वापस जाना बिना वोट दिए बड़ा अजीब लगेगा. तो फिलहाल पहुंचने वाले हैं कॉलेज चलिए जल्दी चलते हैं कॉलेज. अभी पहुंचने वाले हैं कॉलेज एंड देखते हैं क्या होता है बट आई होप कि मिल जाए वोट देने बिकॉज इतना दूर आना फिर बर्बाद हो जाएगा इतना टाइम इतना पेट्रोल और ख़ुद पे गुस्सा आएगा वो अलग. तो आई होप कि कुछ हो जाए एंड जिसके भी रूल्स अगर आप लेके आना भूल गए तो आपको भी कुछ हो मे बी पता नहीं क्या होता है पहली बार वोट देने जा रहे हैं कॉलेज के लिए. तो चलिए फ़िलहाल तो पहुँच गए कॉलेज तो यहाँ से निकल के मिलते हैं. तो यार वापस जा रहे हैं कॉलेज से एंड दुखद न्यूज़ ये है कि वोट देने का कोई भी ऐसा ये नहीं मिला मतलब अगर आप चालान भूल गए हो तो सिर्फ आधार कार्ड से आपका काम नहीं बनेगा. लो यहाँ भी ब्लॉक है. तो
इतना दूर आना फालतू हो गया, बट क्या कर सकते अब। एंड अभी वापस घर जाके फिर लाना भी इम्पॉसिबल है, बिकॉज वापस घर जाके लाना भी इम्पॉसिबल है बिकॉज फिर टाइम अप हो जाएगा एंड 4:30 बजे तक ही होगी, एंड 4 तो ऑलमोस्ट 4 से ज़्यादा हो चुका है अभी, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हम वापस घर जाएँ एंड वापस ले के आए। सो इट्स ओके, एटलीस्ट हम आए, बट भूल गए तब क्या कर सकते हैं। थोड़ा बुरा लग रहा है कि इतना दूर आके इतना टाइम वेस्ट करके भी जो काम के लिए आए थे वो नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, ब्लॉग ही बना लिया हम। तो चलिए अब घर जा रहे हैं। एंड जितने भी लोग वोट किए यार, जिसको भी नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मेरे को भी जानना है कौन लोग किसको सपोर्ट करते हो। तो चलिए घर चलते हैं। तो यार इतना थकने के बाद, इतना दूर जाने के बाद, इतना टाइम और पेट्रोल बर्बाद करने के बाद भी जो काम के लिए गए थे वो नहीं हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। बिकॉज सच्ची मन था वोट करने का, पहला वोट था ये, एंड वो भी नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं यार, बट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है खुद से कि आखिर क्यों भूल गए हम चालान लेके जाना। तो खैर जो होना था वो हो गया, उसको बदल नहीं सकते। तो यार अब हम सोचे हैं कि अपना जो चैनल है उसमें रोज़ पबजी लाइव करें रात में, बिकॉज वहाँ पे गेम खेल के अच्छा लगता है आप लोग से बात करके। कल हम लाइव आए तो बहुत कोई आए थे एंड सबसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग बताओ कि क्या हमको ऐसा करना चाहिए, या फिर हमको अपने सेकंड चैनल जो कि एरेस गेमिंग है, इसमें हम बोले थे कि पबजी लाइव शुरू करेंगे पर नहीं किए, तो क्या अब हमको उस पर लाइव स्ट्रीम करना चाहिए स्टार्ट। तो ये आप लोग बताएं हमको नीचे कमेंट करके, ज़रूर बताएं बिकॉज ये, और बहुत जल्द हम मिलिटर पे भी आने वाले हैं पबजी खेलने के लिए। तो आप लोग सजेस्ट करो मेरे को कि अभी जो पबजी मोबाइल, जो मोबाइल से स्ट्रीम करेंगे तो वो कैसे करना चाहिए हमको, मतलब अपने आरएस गेमिंग वाले चैनल पे करना चाहिए सेकंड चैनल पे, या फिर अपने मेन चैनल पे। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।